अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है और दरूद ला महदूद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाहे नाज के अंदर, बारगाहे पुरवकार के अंदर, हदियतन अकीदतन मुहब्बतन नजरानतन तोहफतन मवद्दतन अदबन पेश करने के बाद हजरत शेख अहमद बिन साबत मगरबी रहमतुल्लाही ताला लिखते हैं कि मैंने ख्वाब देखा, एक मुनाद ऐलान कर रहा है कि जो शख्स रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ियारत करना चाहता है वो मेरे साथ चले, चुनाचे मैं भी उनके साथ हो लिया। पानी का एक बहता चश्मा जो दूध से ज्यादा सफेद, बर्फ से ज्यादा ठंडा और शहद से ज्यादा शीरी था, वहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के हमरा जिब्राइल अलैहि सलाम थे। मैंने अर्ज किया, अस्सलातो वसलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल अमीन को भी सलाम करो। मैंने उनकी खिदमत में भी सलाम अर्ज किया, फिर हर दोनों हजरात से दुआ के लिए कहा, दोनों ने मेरे लिए दुआ फरमाई। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अपने दस्ते मुबारक से मुझे इस चश्मे का पानी पिला दे। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मुझे तीन चुल्लू पानी पिलाया। फिर मैंने हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम से पानी पिलाने के लिए अर्ज किया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने भी हुक्म फरमाया, बस उन्होंने भी मुझे पानी पिलाया और फिर मैं बेदार हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वाली